नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ, स्वदेश की बेहद खास पेशकश। कल की तैयारी, मार्केट बंद होने के बाद मार्केट की आज की चाल और कल की खास आपकी रणनीति बनवाने के इरादे से हम लेकर आते हैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव शो जहां आपको मिलती है सटीक जानकारी, बेहतर विश्लेषण और इसके साथ ही भरोसेमंद सलाह। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं जो आपके सवालों पर देते हैं भरोसेमंद सलाह। ये एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी सलाह आपको बहुत ध्यान से सुननी है और उसके हिसाब से आपको किस तरह की रणनीति अपनानी है ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है। और ये शो, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, आप दर्शकों का शो है, तो दर्शकों का शो है इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दर्शकों के सवालों से जुड़ा होता है। लेकिन सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे, तो सवाल पहुंचाने का बेहद ही आसान सा तरीका है ये है कि व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ये आने वाला है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हम तक अपने सवाल पहुंचाइए। आप सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, स्टॉक रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर लिखिए। इसके अलावा जब आप सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक पर जा रहे हैं, तो ट्विटर पे हमारे हैंडल को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, #KKT अपना सवाल और हम तक पहुंचाइए अपना सवाल। अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज कल की तैयारी के हमारे दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं स्वास्तिका के हेड इक्विटी मार्केट गिरीश सोडानी साहब और तनीषा एकेडमी के रिसर्च एनालिस्ट नितलेश पावस्कर। और इससे पहले कि हम आप दर्शकों के सवाल लें, जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। बाजार की आज चाल किस तरह से रही है वो आपको दिखाते हैं। तो लगातार एक मोमेंट अच्छा बना हुआ था, लेकिन आज जो है वो जैसा एक्सपेक्टेड था, जो मुनाफा वसूली थी वो नजर आई। निफ्टी जो है वो 18,534 के लेवल पर बंद हुआ। और इसके अलावा बात करें तो एक तरह की मुनाफा वसूली ने पूरे मार्केट पर एक दबाव बनाया। और इनमें जो एनर्जी शेयर्स थे, खासतौर पे जो क्रूड की चिंता थी, उसने जो था वो इस तरह के स्टॉक्स पर एक प्रेशर डाला। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,128 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 12 में से 7 शेयर जो थे वो कमजोरी में नजर आए। इसके अलावा सेंसेक्स की बात कर लें, निफ्टी आईटी की बात करें, तो हर तरफ थोड़ा दबाव नजर आया। हालांकि जो तेजी वाले सेक्टर रहे, जो शेयर रहे, वो टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, एशियन पेंट्स 1% से लेके 3.5% तक की तेजी में नजर आई। ONGC, NTPC, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये निफ्टी के कमजोरी वाले शेयर रहे। 2 से 2.5% की कमजोरी इन स्टॉक्स में हमें देखने को मिली। इसके अलावा भी अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर हमें तेजी नजर आई। और यहाँ पे 0.5% से लेकर 2% तक की तेजी निफ्टी बैंक के इन स्टॉक्स में नजर आई। अब दबाव कहाँ नजर आया, एक्सिस बैंक, SDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, यहाँ पर प्रेशर नजर आया। 0.10% से लेकर 2.25% तक की कमजोरी यहाँ नजर आई। ऑटो जो सेक्टर रहे निफ्टी का, वो तेज रहा आज। निफ्टी आईटी में आज तेजी हल्की नजर आई। निफ्टी रियल्टी हो, निफ्टी फार्मा, यहाँ पर भी तेजी आपको नजर आई। तो ये निफ्टी के वो सेक्टर्स थे जहाँ पर तेजी थी। कमजोरी वाले सेक्टर निफ्टी PSU बैंक्स, प्रेशर नजर आया। इसके अलावा निफ्टी बैंक जो है, यहाँ पर भी जो है वो कमजोरी नजर आई। और निफ्टी मेटल पर भी दबाव हावी होता दिखा। इसके अलावा बात करें हम 52 वीक्स हाई किन स्टॉक्स ने बनाया, तो वो रहे NMDC स्टील, IDFC फर्स्ट बैंक, अरविंद और इंडो काउंट। ये स्टॉक्स रहे जो 52 हफ्ते की अपनी ऊंचाई यानी 52 वीक्स हाई पर इन्होंने ट्रेड किया। तो ये जो थे वो बाजार की पूरा हाल हमने आपके सामने रखा, हर सेक्टर हर स्टॉक की बात रखी। और अब चलते हैं अपने खास एक्सपर्ट्स की ओर। गिरीश सोडानी साहब, नितलेश पावस्कर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले गिरीश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
एक एक उम्मीद यही थी, जब आमतौर पर इस तरह का मोमेंटम हमें नज़र आता है, जब बाजार एक तरह की रवानी में नज़र आता है, तो हल्की मुनाफा वसूली नज़र आती देखी जाती है। आज तो क्रूड की ओर से भी चिंताएं हावी रहीं, उसका भी असर देखने को मिला। फिर भी बाजार को किस तरह से रीड किया जाए? देखिए बाजार यूजुअली पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव मोमेंटम ही है, क्योंकि हम तो डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे आज जीडीपी का डेटा बाजार बंद होने के बाद आ रहा है, हम क्वार्टर रिजल्ट्स की भी हम बात करें, रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। बट ऑब्वियसली जब हम एक बहुत लंबी तेजी देख लेते हैं तो कहीं पे भी एक छोटी सी मुनाफा वर्दू से बनती ही है, तो वही एक फैक्टर था। दूसरा, एक एमएससीआई का जो डेटा आया था उसका भी रिएक्शन कहीं पे भी बाजार में देखने को मिला। जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स इनबिल्ड हुए थे उसके अंदर, वो सेक्टर्स में तेजी रही, जो स्टॉक्स थोड़े से एक्सक्लूजन उसमें गिरावट रही। तो यही साइमल्टेनियसली मिक्स मैच डेटा है, इसी वजह से हमने पूरी तरीके से मुनाफा भी नहीं देखे, हमारे को बहुत अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई दी। तो यही फैक्टर्स को हम आगे भी लेके चलेंगे, अगले 2-3 दिन बचा ऐसे ही रहने की उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल बाजार का जो मोमेंटम है वो बेहतर ही है, और ये जो हल्की मुनाफा वसूली है, इस तरह के ट्रेंड्स थोड़ा हमें कुछ और देखने को मिलेंगे। निथलेश, आप कैसे देखते हैं मार्केट को, कहाँ नजर रखी जाए? जी कंटिन्यूअसली देखिएगा कि ये ऊपर का लेवल है, थोड़ा सा तरफ रहना चाहिए, क्योंकि एक काफी बड़ा रैली हमें देखने को मिला है। 1600 से लेकर तकरीबन 1800 पॉइंट का एक रैली कंसिडर किया है, तो मेरे हिसाब से एक रनिंग करेक्शन आना पेंडिंग है। 3 से 5% का हम लोग एक रनिंग करेक्शन देख सकते हैं, फिर वहां पे जाके बाइंग करना है या फिर नहीं करना है वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। हालांकि एज ए डिस्क्लोजर, मैंने पर्सनल अकाउंट भी मेरी कुछ इंडेक्स के ऊपर शॉर्ट साइड की पोजिशन बिल्ड की है, क्योंकि ये लेवल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग अभी फॉल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सब लोग मस्ती में चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट तभी होता है जब मार्केट से डर निकल जाता है गिरने का। तो अभी का लेवल जो होगा 18,400 से लेकर 18,450 नीचे में सपोर्ट है, ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग 18,200 से लेकर 18,050 ये लेवल फिर से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 18,550 या फिर 600 के ऊपर चलता है तो बुल्स को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग नया लाइफ टाइम हाई भी देख सकते हैं अगर ये लेवल्स प्रोटेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का हाई हम देख सकते हैं। अब चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। दर्शकों का शो है, श्रीकांत सिंह है पटना से, और इनका सवाल है, IRFC के 500 शेयर इनके पास हैं, ₹33.80 के भाव पे लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया इन्हें चाहिए। गिरीश जी बताएं क्या राय है आपकी? जी मेरे से है सवाल, सही सवाल है गिरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। ठीक है, IRFC है बेसिकली बैंकिंग, ये रेलवे स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों का काफी फोकस रहा है, ये सेगमेंट्स कहीं पे भी उसी से तो कहीं कहीं फोकस में आ ही जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं ये फास्ट ट्रेन मिशंस के अंदर ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक इन्वॉल्व है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ₹28 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके रखें फॉर द शॉर्ट टर्म। अगले 3 महीने से 6 महीने के रेंज में हमें ₹40 से लेकर ₹42 के रेंज के लिए दिखाई देता है ये स्टॉक, तो ये होल्ड कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ होल्ड करने की सलाह आपको, और जिन लेवल्स पर आपको निगाह रखनी है उसके बारे में भी गिरीश जी ने आपको जानकारी दी। दिशा जैन है आगरा से, और इनका सवाल है, लेमन ट्री होटल्स के इन्होंने 2400 शेयर लिए हैं ₹80.45 के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए? नितेश बताएं क्या होगी इनको एडवाइस? देखो मार्केट का जो मोमेंटम है कंटिन्यू अपसाइड में चल रहा है, लेकिन नीचे में एक स्टॉक को मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा ₹88 के आसपास का। जब ये काउंटर ₹100 का लेवल को कंटिन्यूअसली होल्ड करेगा, फिर हिसाब से स्टॉक में एक बढ़िया फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक 125 से लेके 140 ये लेवल तक दिखा सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो ₹88 का स्टॉप लॉस को क्या कर देगा, मेंटेन कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह नितलेश जी की ओर से आती हुई। उत्पल मंडल हैं कोलकाता से, और इनका सवाल है, कोचीन शिपयार्ड के 469 शेयर इन्होंने ले रखे हैं ₹31 के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए क्या करें, ये पूछ रहे हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? गिरीश जी आवाज कोचिन पहुंच रही है आप शिपयार्ड तक? बेसिकली इनकी खरीदी भाव बहुत अच्छी है, अगर ऐसे देखा जाए तो ₹31 ये खरीदी रेट्स पर ये ऑलरेडी चल रहे हैं, तो
ये जब बाजार इस तरीके के मोमेंटम जो रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को ये चीज समझनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि एटलीस्ट ये 25% का यहाँ से प्रॉफिट बुक करें। कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी काफी बूमिंग पर है, हम देख रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट नंबर इम्पोर्ट नंबर दोनों ही काफी अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं। जिस तरीके का जीडीपी डेटा है वो भी अच्छा है, तो होल्ड तो ऑब्वियसली करना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम में इनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि एटलीस्ट 25-30% का प्रॉफिट बुक करके और बाकी चीजों को होल्ड कर सकते हैं 450 के एक स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पर 450 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 25 से 30% की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह, बाकी जो है क्वांटिटी होल्ड करने की आपको एडवाइस मिलती हुई। बढ़ते आगे, सुधीर पाध्ये हैं और डोंबिवली महाराष्ट्र से, और इनका सवाल है, बजाज ऑटो के 20 शेयर इनके पास हैं, 3573 के भाव पे लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें, क्या होगी नितलेश इनको सलाह? देखो बजाज ऑटो में अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बना है और एक बुल कैंडल बनने के बाद फॉलो पाई नहीं है। अगर ये काउंटर 4520 के नीचे अगर ये निकल जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेना, फिर इसमें एक बड़ा सेल कॉल इनिशिएट होगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि 4200 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी मोमेंटम के बाद उसमें फॉलो पाई नहीं है, तो 4520 का एक स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास स्ट्रेटजी बनानी होगी। प्रमोद कुमार हैं हमारे अगले दर्शक, और गिरीश जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, सेल के इनके पास 500 शेयर हैं, एक बार फिर दोहरा दूं, सेल के इनके पास 500 शेयर्स हैं, 98 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं स्टील एंड एल्यूमिनियम में काफी टाइम से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 76 के एक स्टॉप लॉस के साथ में, होल्डिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। ये कहीं पे भी एक लेवल 80-82 के ऊपर के एक रेंज हमारे पास डेफिनेटली ओपन थी। हमने बीच में भी आपके चैनल के साथ ये शेयर करा था कि ये 100 to 115 का एक रेंज दिखा सकता है अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो एल्यूमिनियम को स्टील की थोड़ी सी सुधार होने की जरूरत है, एंड ये चीजें आप काफी ज्यादा अच्छी जल्दी ग्रो सिचुएशन पे दिखाई देंगी, तो होल्ड करें इस स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, यश जैन है अकोला महाराष्ट्र, और इनका सवाल है, बजाज हिंदुस्तान के 1000 शेयर इनके पास हैं, एक बार फिर बता दूं, बजाज हिंदुस्तान के 1000 शेयर हैं, 19 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, आगे क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं। नितलेश बताएं क्या करेंगे? लेकिन ये स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो जब तक ये काउंटर 16 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक कोई पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि ऊपर की साइड में चलेगा ये काउंटर। तो अभी भी आपका पास पोजीशन होल्ड रखना होगा, तो एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए, 14 रुपए के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये काउंटर 16 रुपए के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से आपको ऊपर में भाव देखने को मिलेंगे 18 रुपए से लेकर 18 रुपए 50 पैसे, तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। बिल्कुल, तो यहां पर आपको खास रणनीति बनानी होगी। ललित बजरंगी हैं जिंदल स्टील के, 112 शेयर इनके पास हैं। गिरीश जी मेरा सवाल आपसे है, जिंदल स्टील के 112 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, ललित बजरंगी इनका नाम है, 552 रुपए के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए इन्हें? इनको ऑलरेडी काफी ऊपर के रेट्स पे इन्होंने लिए हुए हैं। हालांकि जैसे मेरा अभी जो स्टेटमेंट है स्टील एंड एल्यूमिनियम्स को लेके, वो स्टेट ही है कि अगर हम अगले 3 महीने स्टील एंड एल्यूमिनियम की ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी देख रहे हैं, तो ये चाहें तो अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 499 का, बट 499 के नीचे एज अ टेक्निकली भी मुझे स्टॉक थोड़ा खराब लगता है, तो तब तक ये चाहे तो होल्ड कर सकते हैं और अपने रेट्स के आसपास में आके एटलीस्ट अपना पार्शल बुकिंग करके वो बाहर हो जाए, तो एक रेंज जरूर बन जाएगी इनके लिए। तो अभी फिलहाल तो होल्ड करें 499 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं अगले हमारे दर्शक की ओर, अनिल भारद्वाज हैं, और इनका सवाल है, भारतीय एयरटेल के 150 शेयर इनके पास हैं, 697 के भाव पर, नितलेश क्या करें ये? देखो भारतीय एयरटेल को कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। मेरा लक्ष्य जो था लास्ट में मैंने दिया था 835 का पहला टारगेट होगा, और 835 को क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने 900 रुपए का दिया था। इस रैली में मैंने कुछ गिने चुने ही स्टॉक रिकमेंड किए थे, बाइंग की
और भारतीय एयरटेल मेरा उसमें एक काम करता, तो अभी के लिए आप स्टॉप लॉस में बने रहे, 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनाए और ऊपर में 900 रुपए के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर 900 भी क्रॉस करेगा तो इसमें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, फिर ये काउंटर 1000 से लेके 1100 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेडिंग बेसिस का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको होल्ड कर दे। कल तो यहाँ पर बने रहने की सलाह और एक स्टॉप लॉस के साथ 900 के लक्ष्य को देखिए। बढ़ते आगे, आरके शर्मा है दिल्ली से और इनका सवाल है, यस बैंक के 5000 शेयर लिए हुए हैं 18 रुपए के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। गिरीश जी बताएं यस बैंक में क्या करना चाहिए। देखिए यस बैंक बेसिकली, ये मेरी पर्सनल राय रहती है कि यस बैंक के फंडामेंटल्स मुझे बहुत ठीक ठीक ही लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छे बैंक हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में, तो मेरी सजेशन तो यही है कि यहाँ से बाहर होकर वो किसी स्टेबल बैंक में मूव करें, एंड SBI या फिर प्राइवेट सेक्टर में ICICI एक्सिस बैंक में मूव कर सकते हैं। मेरी सलाह तो यही होगी कि वो एग्जिट कर लें यहाँ से। यहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई, नितलेश आप क्या कहेंगे, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में विकल्प के तौर पे देखना हो तो क्या आपकी भी कुछ खास चॉइसेस हैं यस बैंक को लेकर, आपका नजरिया क्या कहता है? देखो येस बैंक के ऊपर मेरा हमेशा से थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले है, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ 17 रुपए से लेके 17 रुपए 50 पैसे, ये लेवल को मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ। अगर ये क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए फिर से 22 से लेके 23 ये लेवल दिखा सकता है। जैसे मैं सर को सुन रहा था कि फंडामेंटल्स नहीं चल रहे हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन अभी का जो मार्केट है वो घोड़े के साथ गधे भी दौड़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो ये भी मोमेंटम पकड़ सकता है। तो अभी के लिए आप पोजिशंस को होल्ड करें, 15 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखें, और 1 रुपए का इसके ऊपर में रिवॉर्ड जो है वो 6 से 7 रुपए का मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको निगाह रखनी है, हमने आपको दोनों नज़रिए, दोनों एक्सपर्ट्स के नज़रिए आपके सामने रख दिए। अगले हमारे दर्शक योगेंद्र हैं फिरोजपुर से और इनका सवाल है, टाटा स्टील के 2000 शेयर इनके पास हैं, 109 के लेवल्स पर इन्होंने लिया है। नितलेश आपसे ही सवाल है मेरा, क्या करना चाहिए? टाटा स्टील में मैं भी कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ, ये स्टॉक 110 रुपए के ऊपर, 110-112 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, लेकिन अभी के लिए आप 103 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना। अगर ये काउंटर 110 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है, 110-112 रुपए के ऊपर, फिर से थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना, और मेरा जो टारगेट है इसके ऊपर 125 से लेके 140 का है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 102 रुपए के नीचे इसमें मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेक डाउन आएगा, और अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो 80 रुपए से लेके 75 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, तो 112 ऊपर में ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास जो है रणनीति बनानी होगी। हमारे अगले दर्शक हैं आरिफ गाजियाबाद से और इनका सवाल है, टीम लीज के, जी हाँ एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, टीम लीज के 50 इनके पास हैं, 2290 के भाव पे इन्होंने ले रखा है, आगे क्या करना चाहिए? गिरीश जी बताएं क्या कहता है आपका नजरिया? टीम लीज के लिए ये होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, एंड आगे के लिए टर्म्स के लिए यहाँ से 4 से 5% का एक अपसाइड जो दिखाई देता है अगले 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम। तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह और होल्ड करने की सलाह, आगे एक बेहतर संभावना आपको नजर आ रही है। जितेंद्र सिंह है दिल्ली से और इनका सवाल है, एंजल वन के 50 शेयर इनके पास हैं 1600 के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। नितलेश बताएं। देखो एंजल मिल का मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, वीकली चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन जब तक ये 1400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आपको भाव देखने को नहीं मिलेगा, तो अभी के लिए आप स्टॉप लॉस लगाना, 1300 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना। अगर ये काउंटर 1400 रुपए को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करें और अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1350 के आसपास लेके आए, इससे आपका एवरेज भी होगा और ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो आपको ऊपर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको खास तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमारे अगले दर्शक हैं राजन नारंग चंडीगढ़ से और राजन का सवाल है, SJVN के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं और इनका जो लेवल है वो 37 रुपए 56 पैसे है, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। गिरीश जी बताएं। SJVN एनर्जी बेस्ड स्टॉक है, ऑलरेडी ये जो लेवल लेके चल रहे हैं ये लेवल ठीक है, एकदम से कोई डाउन फ्रेम तो नहीं दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर, अगले 4 महीने से लेकर 6 महीने के लिए 45 से लेकर 52 का एक लेवल मेंटेन करना चाह सकते हैं, तो ऑलरेडी इनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, एंड बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के लिए 31.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपने लेवल के लिए, तो ये अचीवेबल है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आगे बेहतर आपको संभावनाएं मिल सकती हैं। अंशु हैं रांची से और इनका सवाल है, फिनोलेक्स केबल के दो माफ कीजिएगा 20 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 845 के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए नजरिया ये भी चाहते हैं। नितेश बताएं क्या करना चाहिए। देखो काउंटर में मेरे हिसाब से एग्जिट का ही राय होगा, क्योंकि ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा एक हाई लगा के अभी 800 रुपए के आसपास आया है। अगर ये काउंटर किस कारण से नीचे मिलता है 650 से लेके 600 इस रेंज में, तो डेफिनेटली इसमें क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। लेकिन एक ट्रेडिंग बेसिस का डेली चार्ट को देखे, मैं एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, उसको जरा फॉलो कर लेना। 775 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अगर आपको फिर भी रखना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस काउंटर में जितना हो सके उतना जल्दी आप एग्जिट। जितना जल्दी हो इस काउंटर से एग्जिट होने की आपको सलाह। पीयूष खन्ना है बरेली से और इनका सवाल है, एबी कैपिटल के 187 शेयर इन्होंने लिए हैं 167 रुपये 14 पैसे के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए। गिरीश जी बताएं क्या इनको एडवाइस। नहीं, डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए, कंपनी ऑलरेडी काफी ग्रोइंग स्टेज पर है। इनके ग्रोथ रेट्स अगर हम देखें, ऑर्डर बुक्स देखें, क्लाइंट बुक देखें, तो काफी अच्छी ग्रोथ, 26% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ एस्टिमेशन आई थी। इनकी दोनों क्वार्टर्स की मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी काफी स्ट्रांग थी, तो ये ऑलरेडी इनको होल्ड करना चाहिए। मैंने आपके आपके चैनल पर ही 165 से इसकी बाइंग रिकमेंडेशन दे रखी है। मेरा टारगेट इसको लेकर 190+ है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह, और दर्शकों के सवालों के सिलसिले को हमें यहीं रोकना होगा। और हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें और आपकी क्वेरीज पर भरोसेमंद सलाह हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है, लेकिन एक बार फिर चूंकि ये इक्विटी मार्केट है तो सोच समझ कर ही निवेश करें, बहुत सी चीज़ों को जांच पर रख लें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह उनकी निजी सलाह है और उसके हिसाब से आपको भी अपने विवेक के आधार से फैसला लेना चाहिए। चलिए, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है, हमारी सहयोगी वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज के साथ। तो हमारी नज़र होगी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो आएगा भारत, यूएस, यूके और यूरोजोन की तरफ से। इसके अलावा यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और ईसीबी अपने May 3rd और May 4th के पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स भी कल रिलीज करेंगे, तो इस पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन है, ऑटो बिक्री के कल आंकड़े आएंगे और इसी के चलते ऑटो स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। इसके अलावा कल वीकली एक्सपायरी का दिन भी होगा, तो ये भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा। आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। TCS भी हमारे रेडार पर है क्योंकि कृति वर्सन टेक ओवर करने वाले हैं CEO के रूप में June 1st को। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स हो जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। रिवाइज इंसेंटिव्स ONDC पर इफेक्ट लेंगे June 1st से। FAME II की सब्सिडीज जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, ये कम होने जा रही है और इसी के चलते हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्राइस बढ़ते देख सकते हैं शायद June 1st से। और आखिर में SpiceJet भी आपके रेडार पर होना चाहिए क्योंकि NCLT के सामने जो प्ली है वो सुनी जाएगी कल। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स, और अब बारी है आपके पसंदीदा सेगमेंट की, VIP सेगमेंट, जो कि कमाई का VIP शेयर्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो नितिलेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपकी पोटली में आज कहां मौके बनते देख सकते हैं। देखो मैं विप्रो के साथ बाइंग जाना पसंद करूंगा, लेकिन कंडीशन पाए होगा 407 रुपए के आसपास, 390 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट होगा वो 450 के आसपास का टारगेट होगा। लास्ट 6 वीक से अगर हम लोग देखेंगे तो विप्रो ने पिछले लो को अपने ब्रेक नहीं किया है और ऊपर में कंफर्टेबली 400 रुपए के ऊपर क्लोज किया है। तो जब ये काउंटर 407 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी इसमें क्या करना है, पोजिशन बनाना है। 450 इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट है, अगर इसको होल्ड करता है तो फिर हम लोग 500 रुपए से लेके 520 ये लेवल तक भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कोई भी कैश में पोजीशंस बनाए, फ्यूचर्स में पोजीशंस ना बनाए क्योंकि मार्केट उतनी लेवल के ऊपर है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मौके बनते दिखेंगे। विप्रो टारगेट 450 तक का, और ये टारगेट अचीव हो जा सकते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में 500 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव होते देखेंगे। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं गिरीश जी के पास। गिरीश जी बताएं आज आपके पिटारे में क्या है। मैंने फंडामेंटल पिक्स में आदित्य बिरला फैशन चूज करा है। ऑलरेडी काफी अच्छे ग्रोथ नंबर्स हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है इनके लॉसेस जरूर आए Q4 के अंदर, बट इनके रेवेन्यू में भी काफी अच्छा अप्रेजल आया है। 26% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रेजल दिया इन्होंने।
एंड रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है ऑलरेडी ये बिजनेस, हमारे एथनिक बेयर्स में काफी अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज में है, रेगुलरली बेसिस पे स्टोर्स ओपन और इनके ऑनलाइन सेल्स की काफी अच्छी ग्रोथ डेटा था। उस प्रपोजिशन को हमको ऐसा लगता है कि 240 प्लस का नंबर्स इसके लिए डेफिनेटली एक अच्छे नंबर्स के तौर पर निकल के आ सकता है, इसलिए हम ये रिकमेंडेशन 240 के लिए अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम पे ही लेंगे। एक 240 का क्रॉसिंग के बाद में ये एटलीस्ट 285 से 290 का भी ये रेंज दिखा सकता है। तो यहाँ आदित्य बिरला फैशन पर रखनी होगी निगाह, 240 प्लस के टारगेट यहाँ पर आने वाले 3 महीनों में अचीव हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी, और इसके साथ नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए और खास विश्लेषण के लिए, दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए फिलहाल इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।